हेलो जी, सत श्रीकाल, की हाल चाल। मैं हाँ सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं HR71 न्यूज़। आज मैं आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा कि गांव देहात में अक्सर ऐसे चोर, ऐसे ठग होते हैं कि वो गरीब महिलाओं को, जो जिनको गांव के अंदर नॉलेज नहीं होती, तो उनको किस तरीके से अपने ठगी का शिकार करते हैं। तो आज एक ऐसा चोर है, ऐसा ठग है, जो कि गांव की महिलाओं को घर में जाता था, उनके सोने की बालियां चुरा लेता था बिना हाथ लगाए। खुद ब खुद महिलाएं जो है उतार के उसके हाथ में दे देती थी और ये रफू चक्कर हो जाता था। ये सब कैसे होता था, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक धर्मेंद्र कुमार है, टोपरा क्रां गांव का। इसने करीब 4-4.5 महीने पहले अलग अलग जगहों से, खासकर लेडीज को के घर में जाता था दोपहर के टाइम, जब वहाँ कोई उसका पति या कोई बच्चा वगैरह वहाँ नहीं होता था। तो ये उनको कहता था भी आपकी लैट्रिन बाथरूम की सरकारी तौर पे मंजूर हो रहे हैं और आप इसके बदले हमें एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो दे दो जी। तो वो भोली भाली जनानी उनके पत्तों में आ जाती थी, उनकी बातों में आ जाती थी बेचारी। तो उसके बाद उनको कह देता था भी क्या आपने अपने कानों में बालियाँ डाल रखी हैं। तो वो कह देती थी, बोला जी हाँ, बोला हाँ हाँ, ये बालियाँ उतार के यहाँ रख दो, क्योंकि अगर बालियाँ आपके कानों में डल रही हैं तो आपकी कॉलोनी मंजूर नहीं, क्यों आप गरीबी रेखा के उसमें नहीं आएंगे आप जी। तो वो बोली भाली जनानी बेचारी बालियाँ उतार के रख देती थी सामने। उसके बाद फिर ये कहता था भी आप एक काम करो, ये आधार कार्ड आपका ये थोड़ा पूरा साफ नहीं रहा और आप दूसरा आधार कार्ड लेके आओ। जैसे ही वो लेडीज हैं आधार कार्ड लेने अपने घर में जाती थी, या चाय का बहाना बोल दिया, किसी को कह देते थे भी आपकी ये अपना मकान जो है गरीबी रेखा वाले मकान है वो बनने के लिए पैसे आ रहे आपके पास, मतलब अलग अलग बहाना अलग अलग जगह पे ये बनाता था जी। तो उसके बाद जैसे ही वो चाय बनाने जाना या वहाँ अंदर आधार कार्ड लेने जाना, जैसे अंदर गए उसके बाद ये उस बाड़ियों को उठाई और वहाँ से धोखा दे के चोरी करके भाग जाता था। इसके करीब करीब 17-18 मुकदमे हैं अलग अलग। उसमें हमने इसको आज प्रोडक्शन वारंट पे लिया था और एक दिन का पुलिस रिमांड है। हमारे इलाके की जो चौंकी रणजीतपुर की है, एक वारदात थी छिलौर गांव की, एक रक्षा देवी थी बेचारी, वो भी इसी प्रकार से इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसको धोखा दे के इसकी दोनों कानों की बाड़ियाँ चुरा के ले गया था। तो सर इससे कोई रिकवरी हुई है? इससे जो रक्षा देवी जो छिलौर की है हमारे चौंकी के इलाके की, दोनों कानों की बाड़ियाँ हमने बरामद कर ली। इससे कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो रिमांड में कुछ और भी लोगों के इस तरीके से एक वारदात जो अंजाम दिया वो भी रिकवर होगी? अभी कुछ रिकवरी है इसकी, कुछ और मुकदमों की रिकवरी अभी पेंडिंग है। जैसे ही प्रोडक्शन वारंट पे इसको लेते रहेंगे आगे वो आएगा। हमारे यहाँ की एक ही रिकवरी थी, उस हमारी कंप्लीट दोनों बाड़ियाँ कानों की बरामद होगी और जो लेडी जिसकी बाड़ियाँ चुराई थी इसने उसकी शनाख्त भी कर ली इसने। बोला तो पहले भी कोई इस तरीके के केस दर्ज है? इसके पहले भी दर्ज है केस, हाँ इसके तो पहले भी कई मुकदमे। मेरी तो मेरे इलाके चौंकी इलाके के लोगों से एक ही अपील है भी इस प्रकार के लोग जो भोली भाली औरतों को बहकाकर और उनको ठगते हैं उनसे सावधान रहें। उसमें 420 और 380 IPC के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त धारा है वो इसके खिलाफ हमने लगाई है और कल इसको जेल में छोड़ के आएंगे।